करीब 4,500 सालों से ग्रेट पिरामिड खड़ा हुआ है इजिप्ट का एक शहर कायरो में, जो कि हजारों साल पहले का रॉयल्टी इंजीनियरिंग के एक इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। इन पिरामिड्स को देखकर ऐसा लगता है कि इस पिरामिड को जिन्होंने बनाया था उन लोगों के पास बहुत सारे एडवांस टूल्स, स्किल्स और सुपीरियर इंटेलिजेंस था। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये पिरामिड्स एक्चुअली एक जायंट मशीन था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस और ट्रांसमिट भी कर सकता था। द ग्रेट पिरामिड का इंटरनल कंस्ट्रक्शन एक पावर प्लांट के साथ मिलता है, और यकीन कीजिए इन पिरामिड्स में कभी भी कोई भी ममी नहीं पाया गया था। तो क्या इतने दिनों से हम सिर्फ गलत जानते थे या हमें गलत बताया गया था? और क्या ये पिरामिड सच में एक पावर ट्रांसमीटर है? तो कहीं मत जाइएगा, आज का ये एपिसोड है काफी मिस्टीरियस। मैं हूं देवाशीष, तो चलिए जान लेते हैं। यहां तक कि हैरान कर देने वाला बात यह था कि निकोला टिस्ला की एक ऑनगोइंग रिसर्च इस पिरामिड के एनर्जी एमिशन से पूरा सिमिलर था। हाँ, ये वार्डन क्लिफ टावर या टेस्ला टावर से पूरा सिमिलर था। लेकिन सवाल यह था कि पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे और पिरामिड्स के वो सारे कैपस्टोन्स कहाँ गए? एंशिएंट हिस्ट्री के मुताबिक पिरामिड के ऊपर जो कैपस्टोन होना चाहिए था वो बहुत पहले से ही गायब था। अब तक कोई भी नहीं बता पाया था कि वो गोल्ड कोटेड कैपस्टोन आखिर इतने पहले से गायब क्यों था। इजिप्ट गवर्नमेंट ने ग्रेट पिरामिड के एक रिकैप सेलिब्रेशन को प्लान किया था, एक नया गोल्ड कैपस्टोन को उस पिरामिड के ऊपर बिठाया जाने वाला था। लेकिन दिसंबर 1999 को इस प्लान को इजिप्ट गवर्नमेंट की ओर से कैंसिल कर दिया गया। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्लान कैंसिल होने का कारण ये था कि इजिप्शियन गवर्नमेंट उस कैपस्टोन को बिठाने के बाद पिरामिड के कॉस्मिक पावर्स को रिएक्टिवेट हो जाना या कुछ मैग्नेटिक पावर को फिर से रिवाइव या शुरू होने को लेकर बहुत डर गए थे। लेकिन इजिप्ट गवर्नमेंट ने कभी भी इसको लेकर क्लियरली कुछ नहीं कहा था और वो कभी कहता भी नहीं। 2010 में कैप्टन ब्रूस कैथी और रॉब मॉड मॉपन ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जिसका नाम था ग्रिड पॉइंट एटलस। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम था जो कि पृथ्वी के चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन्स हैं उसको डिटेक्ट कर सकता था। कुछ एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट के मुताबिक बहुत सारे एंशियंट कल्चर्स को भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस या ग्लोबल एनर्जी ग्रिड के बारे में बहुत पहले से ही पता था। उन लोगों के मुताबिक पूरा वर्ल्ड मेगालिथिक ग्रिड लाइन और एनर्जी लाइन से कनेक्टेड है, और कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये एनर्जी लाइन और इसके सोर्स को कोई आर्टिफिशियली नहीं बनाया था, ये नेचुरल था। लेकिन सवाल ये था कि वो एनर्जी लाइंस का सोर्स कहाँ पे था। जानकारों का मानना है कि पिरामिड को बनाया गया था उस एनर्जी फील्ड को टैप करके उसके पावर को स्टोर करने के लिए। बहुत सारे एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट ये मानते हैं पिरामिड सिर्फ पृथ्वी के इस मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि पिरामिड के ये ट्राइंगल शेप इस एनर्जी पावर को बढ़ाने में बहुत मदद करता था। कुछ एक्सपर्टों का भी ये मानना था कि द ग्रेट पिरामिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। कुछ साइंटिस्टों ने एक इंस्ट्रूमेंट को लेकर पिरामिड के अंदर गए थे। ये इंस्ट्रूमेंट का काम था एनर्जी को वोल्ट्स में कन्वर्ट करना। साइंटिस्टों ने देखा कि जब उस इंस्ट्रूमेंट से लॉस एंजल्स में रीडिंग लिया गया था तब उसमें 0.08 वोल्ट का एनर्जी को शो कर रहा था, लेकिन जब
उसी इंस्ट्रूमेंट से पिरामिड के अंदर जाके रीडिंग लिया गया, तब उस इंस्ट्रूमेंट में आ रहा था 1.2 वोल्ट्स, और पिरामिड के बाहर के एरिया में भी ये सेम रीडिंग मिल रहा था। और ये इंसिडेंट हैरान कर देने वाला था। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पिरामिड ही सिर्फ एक ऐसा चीज नहीं था जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होता था, बल्कि और भी बहुत सारे जगह थे इस प्लैनेट में जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट का खोज किया। जॉन कैडमैन नाम का एक इंजीनियर पिरामिड को एक मशीन के रूप में देखा था और उन्होंने इसका एक मॉडल भी तैयार किया था। उनके मुताबिक अगर उस अंडरग्राउंड चेंबर या सबटेरेनियन चेंबर में वाटर फ्लो किया जाए तो उस चेंबर का रिएक्शन कुछ ऐसा होता कि विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। वो पानी उस सबटेरेनियन चेंबर से एक शाफ्ट के अंदर से फ्लो करता था जो कि 330 फीट नीचे था, और ये चेंबर एक बाईपास वाल्व की तरह काम करता था। वाटर लेवल को बढ़ाकर और घटाकर एक शॉक वेव को तैयार किया जाता था जो कि किंग्स चेंबर के ठीक नीचे वाइब्रेशन को जनरेट करता था। और ये किंग्स चेंबर पूरा ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ था और ये वाइब्रेशन पूरे पिरामिड पे फ्लो करता था। ग्रेनाइट वही मटेरियल है जिसे टेलीफोन या माइक्रोफोन में यूज किया जाता है, जिस वाइब्रेशन के जरिए साउंड जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट करता है। अगर आप इस फिनोमेना को देखें और इसे पिरामिड के अंदर से कंट्रोल करने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा एक मशीन जो पिरामिड के ग्रेनाइट को वाइब्रेट करता था, जैसे एक अर्थक्वेक पृथ्वी के ग्रेनाइट को वाइब्रेट करता है और क्रिएट करता है पृथ्वी के मैग्नेटिक एनर्जी को। पिरामिड को लेकर बहुत सारे रूमर्स आज भी चल रहे हैं और अभी भी एक्सपर्ट्स को सारी बातें पता नहीं है, लेकिन बहुत सारा राज खुलना तो अभी बाकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या पिरामिड सिर्फ एक ब्यूरियल चेंबर है या एक पावर प्लांट? आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस स्कोप के साथ।